आज मैं बनाऊंगी चिकन और मूली का सब्जी। यह है टमाटो पेस्ट, यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यह है ओनियन पेस्ट, और यह चिल्ली चिल्ली पेस्ट, और यह कोरिएंडर चिकन, और यह मूली। कढ़ाई को मैं चूल्हा का ऊपर रख दिया, अभी गर्म होने के लिए रखूंगी। कढ़ाई गर्म हो गया, अभी मैं डालूंगी अभी मैं कढ़ाई का ऊपर डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पाउडर को धीरे धीरे डालना, हल्का सीता ऊपर आ सकता है। अभी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छी तरह से मिलाऊंगी। अभी मैं डालूंगी कढ़ाई के ऊपर ओनियन पेस्ट। अभी इसको भी मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। कढ़ाई के ऊपर मैं डालूंगी टोमेटो पेस्ट, और अभी मैं उसके ऊपर डालूंगी चिली पेस्ट। अभी मैं अच्छी तरह से इसको मिलाऊंगी और ऐसे कुछ देर तक पकाऊंगी। अभी मैं कढ़ाई का ऊपर डालूंगी चिकन मीट को। अभी मैं मीट का ऊपर डालूंगी हल्दी, और अभी डालूंगी नमक। अभी मैं चिकन का मीट को अच्छी तरह से मिलाऊंगी। अभी मैं कढ़ाई को बंद करूंगी और 10 मिनट ऐसे पकाऊंगी, फिर पानी डालूंगी। अभी मैं कढ़ाई को ओपन करूंगी। 10 मिनट पूरा हो गया, आप लोग देख सकते हो कलर कितना अच्छा आया। अभी मैं इसका ऊपर डालूंगी मूली को। अभी मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी इसको भी। अभी मैं डालूंगी कढ़ाई का ऊपर पानी। और अभी मैं कढ़ाई को बंद करूंगी, ऐसे 45 मिनट तक पकाऊंगी। यह चिकन मसाला, अभी मैं कढ़ाई का ऊपर डालूंगी मसाला। हम लोग ज़्यादा मसाला कम खाता है, इसलिए मैं कम डालूंगी, ज़्यादा नहीं खाता है। और अभी डालूंगी मैं गरम मसाला, आप लोग देख सकते हो। ऐसे मैंने बहुत सारा मसाला नहीं डाला, सिर्फ ऐसे गरम मसाला और चिकन मसाला डाला। और अभी मैं डालूंगी कढ़ाई का ऊपर धनिया, और ऐसे डालने का बाद ऐसे 1 मिनट ऐसे बंद करूंगी, क्योंकि बंद करने से फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आता है। 1 मिनट ऐसा हो गया गाइस, अभी मैं खोलूंगी कढ़ाई को, देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो गाइस, मेरा चिकन और मूली का कढ़ी रेडी हो गया। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी होता है। गाइस अभी मैं खाऊंगी खाना, चिकन और मूली जो कढ़ी मैंने बनाया, और बॉयल बीन, और मैंने चिकन चटनी बनाया चिल्ली के साथ। और अभी मैं खाऊंगी खाना।